Dear Honorable Prime Minister, I'm K. Deepika, pursuing BA Journalism final year from Government Degree College for Women, Begumpet, Hyderabad, Telangana. Sir, we have seen many initiatives for education in the last 5 years. Are you satisfied with your efforts in education sector? Thank you for giving me this opportunity. हमने पिछले 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए इनिशिएटिव्स देखे हैं. क्या आप एजुकेशन सेक्टर में आपके प्रयासों से संतुष्ट हैं? माननीय, कृपया बताएं. मैं आपका आभारी हूं इस सवाल के लिए. और देश भर में करीब 2.5 करोड़ युवकों के साथ मुझे अब बातचीत करने का मौका मिला है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी. एक ही चीज को दो तरीके से देखा जा सकता है. जहां तक प्रयास का सवाल है, मुझे इस बात का संतोष है कि हम सही दिशा में हैं. हम निश्चित टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया में शिक्षा की जो मानदंड बने हैं उस ग्लोबल स्टैंडर्ड को हम अचीव करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे देश के उन सब नौजवानों को ये अवसर मिलना चाहिए, अगर वो जिंदगी में शिक्षा के जिस क्षेत्र में जाना चाहता है. सरकार का एक काम है कि उन व्यवस्थाओं को विकसित करें. आधुनिक भारत के लिए जिस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की रचना होनी चाहिए उसको हम बल दे रहे हैं. आईआईटी हो, आईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, उसके विस्तार के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है. उसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर हम बल दे रहे हैं. हमारी ये कोशिश है कि हमारे देश के नौजवान आज बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाते हैं. अरबों खरबों रुपया हमारा विदेश चला जाता है. हम ऐसी शिक्षा संस्थाओं का निर्माण करें जिससे हमारे देश के लोग बाहर जाएं, उसके बजाय दुनिया के देश के लोग भारत में आए. इस सपने को लेकर के मैं काम कर रहा हूं. जहां तक दिशा का सवाल है, मैं बहुत ही संतुष्ट हूं. 4.5 साल के इतने कम कार्यकाल में जितना काम हुआ है, मैं क्या कोई भी संतुष्ट होगा? लेकिन मैं संतोष अपनी पीठ थपथपाने के लिए कभी करता नहीं हूं. मेरा संतोष का मतलब है नए सपनों को जन्म देना. मेरे संतोष का मतलब होता है नए लक्ष्य तय करना. मेरे संतोष का मतलब होता है उन लक्ष्यों को पार करने के लिए फिर एक बार चल पड़ना. और इसलिए संतोष सोने के लिए नहीं है, संतोष नए सपनों को साकार करने के लिए है. धन्यवाद.